सिंगरौली बेड़न में भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। भीषण गर्मी में पेयजल को लेकर शहर के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। बेड़न के वार्ड क्रमांक 40-41 में कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है। महीने भर से पानी की किल्लत, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। वार्ड के पार्षद द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही। वहीं वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद के प्रति भारी आक्रोश भी जताया है। वार्ड निवासी हीरालाल सोनी ने बताया कि कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी समस्या नाली चारों तरफ से गंदगी से बजबजा रही है। भयंकर बदबू से परेशान हैं सभी लोग, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। वार्ड क्रमांक 40 व 41 में कई बार लोगों ने शिकायत की, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि यहाँ पर दो दो हैंडपंप हैं, वह भी खराब हो चुके हैं। लोग दूषित और लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कुछ हैंडपंप हैं जो पानी की जगह गर्म हवा उगल रहे हैं। संगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। अच्छा, जो हैंडपंप है पानी साफ नहीं देता, दूषित पानी देता है, लाल पानी देता है। कोई टैंकर का व्यवस्था नहीं है पानी का? नाली सफा हो रही, पानी मिल रहा। अच्छा, नाली का वही हाल, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी नाली, पूरी नाली यहाँ पे दिख रही है, कचड़े से पूरी तब्दील हो गई है नाली। पानी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बोलते हैं कि पानी आता नहीं है, कभी आएगा कभी आता नहीं है। पानी आता नहीं, दो दो टप्पा देगा फिर बोलेगा हटाओ हटाओ जल्दी जल्दी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहल्ले के वार्ड क्रमांक 41 और 40 की जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं वो काफी कह रही हैं पानी की काफी किल्लत है, पानी नहीं मिल पा रहा है। आखिर वजह क्या है और पार्षद क्या कर रहे हैं ऐसा कि वो पानी इनको पूर्ति नहीं करवा पा रहे हैं? यार बताओ, वोट मिलता है, कोई भी नहीं है, मर रहा है, हमको क्या मिलेगा, क्या फायदा हो रहा है? वोट लेने आएंगे तो बोलेंगे हमको